था कि विपक्ष टेलीविजन पर तो बात कर रहा है कि हमें उत्तर चाहिए, हमें प्रश्न पूछने हैं, और संसद में ये भाग जाते हैं। रही बात जातिगत जनगणना की, 70 वर्षों में केवल सांकेतिक रूप से पिछड़ों और दलितों की राजनीति की गई, अल्पसंख्यकों के नाम पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थमाई गई, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ऐतिहासिक तौर पर संवैधानिक दर्जा ओबीसी कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला, मोदी जी के कार्यकाल में मिला, और आज जो 70% के करीब हिस्सेदारी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतने बड़े तौर पर महिलाओं की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचित वर्ग की, एसटी समुदाय की, ये मोदी सरकार के मोदी मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ रहा है। जयराम जी, दुर्भावना देखिए, जयराम जी मंत्रिमंडल, जयराम जी डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं, जयराम जी उनका परिचय, जयराम जी नहीं होने दिया, जयराम जी अगर मसला, जयराम जी, जयराम जी अगर मसला बिल पर हो, जयराम जी सुन लीजिए, अगर मसला बिल पर हो और अगर बिल पर हो या किसी मुद्दे पर हो तो समझ में आता है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप जो है अहम में हैं और अहम की वजह से ये बात टकरा रही है, क्योंकि अगर बिल पे है, कंटेंट पे है, तब तो बात हो ही सकती है, उस पर कौन सी बात है। डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कि नहीं, ये अहम की लड़ाई आपने बना दी है और अहम की वजह से आप, लड़ाई नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आह्वान किया कि संसद को चलने दीजिए, चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। और दूसरी चीज मुझे याद आ रहा है प्रतीक भाई, 22 जुलाई 2019 की एक रिपोर्ट छपी थी, सारे मीडिया ने दिखाई थी, और आपके साथ हम भैया जी कहीं में डिबेट में भी थे, जिसमें हमने चर्चा की थी कि संसद ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है, बीते 20 सालों में सबसे अधिक फ्रूटफुल जो कार्रवाई रही वो मॉनसून सत्र था 2019 का, 128% कार्रवाई की दर थी, उसकी उत्पादकता थी, ये मॉडल भी तो हमने प्रस्तुत किया था। लेकिन जयराम जी, जयराम जी हो गया, जयराम जी आशा क्यों है, विपक्ष कह रहा है कि पेगासस पर, इसलिए विपक्ष कह रहा है कि पेगासस पर क्यों नहीं बात करें जी, जी इफ्रा, इफ्रा आप जोड़ सकती हैं, कोई बात करना हो तो आप हाथ उठाएंगी जी, साधना भारती, साधना भारती प्रदेश की लड़ाई के लिए जनता के बीच में जाएंगे, इफ्रा आप हाथ उठाएंगी अपनी बात करने के लिए जी, जी जनता तो देख रही है जो विपक्ष पूरे कोरोना, साधना भारती, साधना भारती अब मन की बात बंद कर दो ना भाई साहब, भाई हो गई भाई मन की बात, जयराम विप्लव हो गई मन की बात भैया, अब जन की बात तो करने दो, अरे भाई, अरे ये बिना बात में, अरे कमल का फूल मुरझाने वाला है, आप चिंता मत करो, अब आप सुन लो, अरे आप सुन लो अब जरा, आप भी साधना, साधना आप भी कमेंट नहीं करेंगी, साधना 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 आप भी कमेंट नहीं करेंगी, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगी जी, चलिए बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, जयराम, जयराम, जयराम विप्लव, जयराम विप्लव नाउ प्लीज लिसन, जयराम विप्लव प्लीज लिसन, प्लीज लिसन जी, आप भी साधना की बात हो गई, जन की बात करने दीजिए, हाँ जी करिए जी। देखिए मैं सीधी बात ये कहूंगी, ये अभी ये कह रहे थे हमारी महिला ब्रिगेड, फिर मैं कहती हूँ कि आप क्यों ऐसे शब्द बोलते हैं भाई, अगर आप महिलाओं का सम्मान करते तो लखीमपुर में सड़क पर साड़ी नहीं खींची जाती एक महिला की, अगर आप नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं, अभी ने देखिए, अभी ने सुनने दे, अरे शांति से सुन लीजिए, बहराइच में एक महिला बीडीसी के घर में भाजपा के गुंडे रात में 2 बजे घुसते हैं और मायाराम लोधी उनकी, उनको बचाने के लिए आ गया था, भाजपा के गुंडे पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, तब महिला ब्रिगेड सो रही होती है क्या आपकी, कुलदीप सेंगर के दोस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दिया जाता है, महिला ब्रिगेड सो रही होती है क्या, और आप चुप रहिए, आप सुन लीजिए, बहुत हो गई आपकी मन की बात, मन की बात सुनने नहीं आई हूँ मैं, अब सुनिए आप मेरी बात, अगर जांच को जांच का डर क्यों है ये बताओ, पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा इतना बता दो बस, यही तो पूछ रहे हैं, और खरीदा तो क्या पेगासस खरीद कर लोकतंत्र के चारों स्तंभों की जासूसी करनी थी, आपने प्रहलाद पटेल तो ये क्योंकि साधना 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 जी, मैं रोक रहा हूँ, सारी डिबेट रोक, मैं रोक रहा हूँ, सबको रोक रहा हूँ, ऑडियो क्लोज, ऑडियो क्लोज। तो साधना मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ इतनी देर से कि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, यही से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पेगासस पे ही बोलना है या बात है तो ये बात महंगाई पर है, तो संसद सबसे बड़ी पंचायत में कही जाएगी ना, टीवी डिबेट पर क्यों होगी बात,
टीवी डिबेट पे क्या बात होगा, उसका क्या हल निकलेगा, जानना चाहते हैं सबसे बड़ी पंचायत में ये बात कही जाए जी, तो उसका लिए क्या चाह रहा है ये मुझे बताइए साधना भारती। मैं जवाब दे देती हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जवाब दे देती हूं, इधर आ रहा हूं जी। देखिए सबसे पहली बात, इन्होंने आपने कहा कि हम संसद में, अरे संसद में इन्होंने जब जवाब दिया अश्विनी जी ने, तो क्या जवाब दे रहे थे वो तो इसे कहानी करार दे रहे थे। तो जब आप कहानी बताएंगे हम आपके मन की बात थोड़ी ना सुने, आप संसद में भी मन की बात नहीं, टिप्पणी नहीं है, मन की तो बात है कि आप अपने मनगढ़ंत कह रहे हैं। आप ये बताइए, ये पापड़ी नहीं, अब आप बताइए, साधना भारती नाउ प्लीज रिप्लाई, आप कहें मन की बात संसद के अंदर, आप कहते हैं पापड़ी चाट, ये क्या है, ये पापड़ी चाट है संसद में, पापड़ी चाट की जगह है, मैं तो बताइए जवाब दीजिए। अब मैं सीधी बात ये कहूंगी, जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन की बात तो ये करते हैं, मैं क्या अपनी तरफ से बता रही हूँ, क्या मन की बात नहीं होती, क्या दीजिए नहीं होती, अब जब होती है तभी तो कह रही हूँ। तो आप तो मन की बात कर रही है, आप कहाँ दिमाग की बात कर रही है, इतनी देर से नहीं, आप दिमाग की बात कहाँ कर रही है, मनी की बात तो कर रही है, आप मन की नहीं कर रही, नहीं आप दिमाग की कर रही है क्या, मनी की बात कर रही है ना, भाई महंगाई बढ़ रही है तो मन की बात है ना, तो खूब है। अरे साधना भारती, मन की बात कहाँ है, ये तो जन की बात है भाई, नहीं भाई दिमाग की बात है कि नहीं है, मन की बात नहीं है। अगर डीजल पेट्रोल 100 के पार होगा तो किसानी पे भी असर होता है, घरों में भी असर होता है, हर जगह पर असर पड़ता है, मन की नहीं है, जन की बात है। प्रतीक जी, जी जी प्रतीक जी, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूँ चाट पापड़ी वालों को और इनको मन की बात वालों को जो संसद को इस तरह से बदनाम करते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बहुत ही तार्किक उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। कोरोना कर इनको कहिए प्लीज, इनको कहिए, मैं डिस्टर्बेंस में नहीं जाना चाहता, मैं आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा कोरोना के मामले में राज्यों ने केंद्र को एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन के कारण। आप यकीन मानिए, मैं किसी भी वैचारिक समानता की बात करने वाला व्यक्ति, मनोज झा ने जो बोला संसद में उसका पूरे देश पर इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब सिर्फ चीखना चिल्लाना मतलब नहीं है, संसद में अगर आप कोई भी तार्किक चीज रखेंगे तो ये देश भी सुनेगा, मीडिया भी सुनेगा, दुनिया भी सुनेगी। पर आप कमाल की बात है, वहां तो आप बात ही नहीं रखना चाहते, बोलना ही नहीं चाहते, उसको ब्लॉक कर देना चाहते हो। मैं कहता हूं आप जितनी भी चीजें कह रही हैं बिल्कुल सही है, कह रही है, लेकिन क्या ये पटल है इस चीज का, क्या इस पर आप सरकार से कोई जवाब ले पा रही है, और मन की बात नहीं है इस देश के संसद को। मैं तो सबको रोक रहा हूं, सबको रोक रहा हूं। इफ्रा जान जी, थैंक यू। अजीब सी बातें, मैं शिवम त्यागी जी की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, वो कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाए ना संसद में। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये लोग हर जगह पे हर टीवी चैनल पे सवाल नहीं उठाते थे और हम लोग इनका हर टीवी चैनल पे जवाब देते थे, इनको टीवी चैनल पे जवाब देने में क्या दिक्कत है? कहते हैं इनका मतलब है जब तक संसद पे सवाल नहीं उठेगा तब तक हम जवाब नहीं देंगे। साधना जी ने साफ साफ सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या पेगासस, एक सेकंड, साधना जी ने सवाल किया, उन्होंने कहा क्या पेगासस जो है हमारी सरकार ने खरीदी है या नहीं खरीदी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन है, आप इफ्रा जी आप एक चीज समझ लीजिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप टीवी पर सवाल मत उठाइए, रोज उठाइए टीवी पर, तो आप मुझसे लगातार 8 घंटे बहस कर लीजिए, छोड़िए बाकी बातें, मैं जवाब दे सकता हूँ। और किसने कहा, आप पेगासस की बात कर रहे हैं ना, मैं पेगासस पे भी जवाब दिया है, एनएसओ पे भी जवाब दिया है, हर चीज पर जवाब दिया, अभी भी आपको देने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो टीवी पर सवाल उठा रहे हैं यही सवाल संसद में भी उठाएं, ताकि इनका एक